हेलो, आप कौन? तेरा बाप। तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में जो बीजीएमआई को डेली अनबैन करते हैं। मतलब आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, बीजीएमआई को डेली अनबैन करने का ट्रेंड सा चल रहा है। तो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में आपको भर भर के बैकग्राउंड नॉइस सुनने को देखने को मिलेगी, क्योंकि शादियों का मौसम चल रहा है तो बैकग्राउंड म्यूजिक समझ लेना उस चीज़ को। मेरे मन में जो आ रहा है वो बोले जा रहा हूँ, बस वीडियो बनाना है तो बनाना है, कुछ भी बनाना है बस इनको। मतलब क्या कहूँ मैं इनको, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ये यूट्यूबर से या फिर क्या है। डेली बीजीएमआई को अनबैन करके मतलब एक तरह से कंटेंट बना के रख दिया है, बीजीएमआई अनबैन। एक बार को बीजीएमआई वाले खुद आके बोलेंगे कि बीजीएमआई अनबैन हो रहा है, तब भी हम विश्वास नहीं करेंगे कि बीजीएमआई अनबैन होने वाला है। और मेरे को फटाफट बोल दिया इतना जल्दी, मुझे नहीं पता मैंने कैसे बोल दिया, लेकिन आगे बात करते हैं। गाइस फाइनली बीजीएमआई अनबैन हो चुका है। गाइस अप्रैल में बीजीएमआई आने वाला है। अरे बीजीएमआई तो मार्च में आने वाला था ना, लेकिन नहीं, मई में आने वाला है। अरे जनवरी में 15 तारीख को आने वाला है। नहीं, ये एक स्कीन की थी, ऑग की स्कीन थी, उसमें झंडा बना हुआ था, इंडिया का फ्लैग था, तो शायद 26 जनवरी को आने वाला है। नहीं नहीं कल आएगा। अरे आ गया, बस आ ही गया। तुम लोग वेट करो यार, वेट करो, कल आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ अपने वीडियो में। अरे मेरे सोर्सेज से पता चला, मेरे 3000 सब्सक्राइबर है तो क्या हो गया, मैं झूठे सोर्सेज नहीं बना सकता, तुमको बेवकूफ़ नहीं बना सकता क्या? 2000 सब्सक्राइबर है मेरे। अरे इतने बड़े लोग से भी ज़्यादा अच्छे सोर्सेज मेरे हैं भाई, क्राफ्टन वाले खुद को भी उनको नहीं पता, फिर भी मेरे को पता है, क्योंकि मेरे पास सोर्सेस है ना। क्या इस 26 जनवरी को नहीं आया क्या बीजीएमआई? अरे अगली 26 जनवरी को आ जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या उसमें? अरे यार क्राफ्टन वालों को नहीं पता, ज़्यादा मैं जानता हूँ, मेरे को पता है, अभी कल ही यूट्यूब चैनल बनाया था, अभी मेरे पास सोर्सेज भी आके इतनी जल्दी। और क्या ही मतलब क्या ही बताऊँ यार, मैं क्राफ्टन वालों का मैं मालिक हूँ भाई, सीईओ हूँ मैं तो क्राफ्टन का, मेरे को नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। अभी देखो तुम सोचो एक बार कि तुम सुबह उठ रहे हो आराम से, रात को सोच के कि अगली सुबह बीजीएमआई आ जाएगा या ऐसा कुछ, कल बीजीएमआई आ जाएगा यूँ करके, सुबह उठते ही तुमको नोटिफिकेशन आता है बहुत सारा कि बीजीएमआई आ गया, फाइनली बीजीएमआई इस तारीख को आने वाला है या इस मंथ में आने वाला है या फिर आज आ गया या प्ले स्टोर पर आ गया, ये सब। तो तुम लोग मतलब कितना खुश हो जाओगे सोचो। और ये हर रोज़ हो रहा है, हर रोज़ सेम चीज़ हो रहा है। अब रोज़ एक तरह का खाना खा के लोग बोर हो जाते हैं, ये रोज़ बीजीएमआई खा के कितना बोर नहीं हो जाएंगे क्या हम लोग? अब तो हमको खुद क्राफ्टर वाले आके बोलेंगे तो भी हमको विश्वास नहीं होगा कि बीजीएमआई आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने बीजीएमआई को धंधा बना के रख दिया, मतलब व्यूज़ के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। तो गाइस देखो, जो रियलिटी है वो बस यही है कि इन लोग को खुद को नहीं पता बीजीएमआई कब आने वाला, ये जो भी सोर्सेज वगैरह कर रहे हैं इनको, उनके सोर्सेज भी कुछ काम के नहीं, सब सोर्सेज ख़राब है। क्राफ्टर वाले खुद वेट कर रहे हैं बीजीएमआई को कब लॉन्च करें वो, क्योंकि उनको परमिशन मिले। अब वो सब अंदर की बातें हैं, इधर सोर्सेज वगैरह कुछ काम नहीं आते। और देखो ये जो लोग मतलब जो डायरेक्ट क्राफ्टन से कनेक्टेड है उन लोग को नहीं बता रहे क्राफ्टन वाले, और ये मतलब कहाँ से इन लोग को पता होगा? जो छोटे मोटे यूट्यूबर है वो पता नहीं कहाँ से अपने मर्जी से कोई भी सोर्स से भी ये बताए वो बताए। तो इन शॉर्ट गाइज, इन लोग को कुछ नहीं पता, इनकी वीडियोस देखने से कुछ मतलब नहीं है। तुम लोग इनको व्यूज़ नहीं दोगे तो ये लोग वीडियोज़ भी नहीं बनाएंगे, तुम लोग व्यूज़ दोगे तो ये और वीडियोज़ बनाते जाएंगे। इसलिए चुपचाप बैठो, जब आना होगा तब आ जाएगा बीजीएमआई, बाकी जगह पर भी फोकस करा करो, ये सिर्फ गेम वगैरह है, कुछ नहीं ज़िंदगी में। हाँ अगर तुमको करियर बनाना है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर अब तुमने से नॉर्मली सिर्फ बीजीएमआई के पीछे ही पढ़ो तो वो फालतू बात। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए।